स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी के फुल अपडेट के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, और साथ ही साथ सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी का क्रेज और बज कितना ज़्यादा बना हुआ है ऑडियंस के बीचों में। आप लोगों को बता दें कि सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी जब से अनाउंस हुई है तब से ऑडियंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है, और फाइनली जो कि बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है फिल्म गदर 2 मूवी। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि गदर 2 मूवी जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और वहीं आप लोगों को बता दें कि सनी देओल की फिल्म गदर मूवी ने जिस तरीके से जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, वही दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल स्टार फिल्म गदर 2 मूवी को उससे ज़्यादा क्रेज मिल रहा है, और साथ ही साथ सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी का क्रेज और बस बना हुआ है ऑडियंस के बीच में। आप लोगों को बताइए चले कि एक इंटरव्यू के समय जो कि कुछ रिपोर्टर्स ने पूछ लिया सनी देओल से कि आपकी फिल्म गदर 2 मूवी जो कि 11 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, उसी समय जो कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म OMG 2 भी रिलीज होने वाली है, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें सनी देओल जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और उन्होंने जो कि उस फिल्म की तारीफ करी और सनी देओल ने कहा कि वो भी फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर, और दोस्तों साथ में ही रिलीज हो रही है, इसी कारण मैं उस फिल्म को शुभकामनाएं देता हूं और वो भी फिल्म अच्छा कलेक्शन करे और गदर 2 मूवी भी अच्छा कलेक्शन करे। इससे यह साबित होता है कि सनी देओल कितना दरिया दिल है, और उन्होंने जो कि अलग ही मिसाल कायम करी है। बहुत सारे जो कि हीरो हैं जब एक साथ किसी दूसरी फिल्म रिलीज होती है कोई सी, तो बहुत सारी जो कि नेगेटिविटी फैल जाती है, लेकिन सनी देओल ने OMG 2 के सारे मेकर्स को बधाई दी, और साथ ही साथ उनकी फिल्म को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बोली, और साथ ही साथ उनको शुभकामनाएं भी दी। आप लोग बता दें कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 मूवी भी 11 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, और वही दोस्तों आप लोग बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा, और वही अनिल शर्मा इस फिल्म में कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अनिल शर्मा की हर फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर चलती है गदर 2 मूवी को लेके आए हैं, कुछ ना कुछ नई बात तो होगी ही। आप लोग बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए बचाया जा रहा है, और इस फिल्म को जो कि बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। आप लोग बताइए चले कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 मूवी का जिस तरीके से क्रेज और बस बना हुआ है, और वही दोस्तों इस फिल्म को जो कि रिलीज के पहले ही अच्छे खासे पब्लिक रिव्यू मिल रहे हैं, और ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सनी देओल का सपोर्ट भी कर रही है। इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में आप लोगों को सनी देओल नजर आएंगे, और वही दोस्तों उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हालांकि पुरानी ही स्टार कास्ट है, लेकिन दोस्तों पुरानी स्टार कास्ट बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि यह फिल्म अपने पहले दिन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी ले सकती है, और यह फिल्म कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। और वही दोस्तों आप लोगों क्या लगता है सनी देओल की फिल्म क्या अच्छा खासा कलेक्शन कर पाएगी नहीं बॉक्स ऑफिस पर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद।